आज हम पढ़ेंगे सेहत को फायदा देने वाली गिजाएं। तो कुछ गिजाएं जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। सबसे पहले खजूर, इसके अंदर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कि अगर आप एक दो खजूरें भी रोजाना की खा लें तो जिस्म की दर्दें जिसका अक्सर लोग शिकार रहते हैं या फिर बुढ़ापे में बहुत सी चीजों की जब कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, तो बहुत से लोग सिर्फ दर्दों की शिकायत करते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत फायदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर नहीं वो उस घर की मानिंद है जिसमें कोई खाना नहीं। खजूर नहीं तो समझे कुछ नहीं, दूसरे लफ्जों में। और आपको मालूम पाकिस्तान में आला किस्म की खजूरें पैदा होती है। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा जिस घर में खजूर न हो वो घर वाले भूखे हैं। ऐ आयशा जिस घर में खजूर नहीं वो घर वाले भूखे हैं। आपने दो या तीन मर्तबा ये बात फरमाई। तो क्या करना है, करने का काम क्या है, खजूर ला के रखनी है। जब कुछ और ना खाने को मिले तो सिर्फ खजूर हर चीज की कमी पूरी कर देती है। खजूर के साथ ककड़ी का इस्तेमाल, अब्दुल्लाह बिन जाफर कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजा खजूर ककड़ी के साथ खाते देखी। यानी अगर आप खजूर के साथ खीरा शामिल कर लें, बस सुबह में अगर आपने दूध खजूर लिया और अगर सुबह नहीं आप खाते दोपहर में लेते हैं तो बेहतरीन स्नैक है, दोपहर के खाने का काम कर सकते। हजरत आयशा कहती कि मेरी वालदा मुझे मोटा करने की तदबीर करती थी ताकि मेरी रुखसती करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना करे, लेकिन ये मकसद किसी तदबीर से हासिल न हुआ। हत्ता कि मैंने खजूरों के साथ ककड़ी खाई तो मैं इंतहाई मुतनासिब अंदाज की फरबा हो गई, यानी कि अच्छी फिजीक हो गई। तरबूज और ताजा खजूर, हजरत आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और ताजा खजूर मिलाकर खाया करते थे और फरमाते थे, हम इसकी गर्मी का इलाज उसकी ठंडक से और उसकी ठंडक का इसकी गर्मी से करते हैं। यानी तरबूज जो है वो खाने में ठंडा होता है और खजूर गर्म होती है, तो उनको जब मिला के खाया जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता, जो आमतौर पर बाद में लोग कहते हैं गर्मी लग गई ठंड लग गई। एक सहाबी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची और पक्की खजूर और किशमिश और खजूर से मना फरमाया, इनको जमा नहीं करना चाहिए क्योंकि किशमिश जो होती है वो भी गर्म होती है, और अगर खजूर खाए तो इन दो चीजों को मिलाए नहीं। अगर आप कोई खाना बना रहे हैं कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ बाज रेसिपीज ऐसी होती है कि उसमें दुनिया भर की चीजें इकट्ठी कर दी जाती है, तो बाज अगर तो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। दूसरी चीज है अनार। हजरत अली फरमाते हैं कि अनार को अंदर वाले छिलके समेत खाया करो क्योंकि ये मैदे की बीमारियों का इलाज है। हम आमतौर पर सिर्फ उसका फल निकाल के खा लेते और बाकी सब चीजें वेस्ट कर देते हैं। तो अंदर का छिलका कौन सा होता है, वो व्हाइट व्हाइट स्टफ जिसके अंदर दाने लगे होते हैं। अनार भी जन्नत का फल है और इसमें भी बहुत सारे फायदे हैं। जैतून, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अंजीर और जैतून की कसम खाई, वो तीन व जैतून, इनके फवायद के पेश नजर रोजाना कम अज कम एक अंजीर एक जैतून और खाली जैतून के तेल का एक चमचा इस्तेमाल करना फायदेमंद है। जिस्मानी तवानाई और दिमागी कुव्वत के लिए जैतून के तेल की मालिश भी यानी मसाज भी फायदेमंद है। अल्लाह सुबहान तआला ने जैतून के तेल को कुरान मजीद में मुबारक तेल कहा है। हदीस में आता है, कुलु ज़ैत वद्दहीनु बिही फइन्नहु मिन शजरति मुबारका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और लगाओ, ये एक मुबारक दरख्त से निकाला गया है। यानी दरख्त मुबारक है जिससे निकला वो तेल भी क्या होगा, फइन्नहा मिन शजरति मुबारकतिन। एक और बात में आता है, जैतून का तेल सालन के तौर पर इस्तेमाल करो, यानी रोटी का टुकड़ा जैतून में डुबो के खा लो और उसे सर और बदन में लगाओ, ये मुबारक दरख्त से हासिल होता है। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए और आपने एक दिन में दो मर्तबा रोटी और जैतून का तेल सैर होकर नहीं खाए, यानी दो बार मील नहीं लिया आपने, एक मील होता था आपका।